जब एसी रूम में बैठ करके हम नियम कानून सब चीज बना लिए, आप जनता को मूर्ख बना। 19 सूत्री मांगों को लेकर मुखिया संघ ने वीडियो को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दर्पण लाइव टीवी समाचार। बिहार राज्य संघ के आह्वान पर मुखिया संघ ने प्रखंड मुख्यालय में धरना दिए, जिसमें ग्राम पंचायत के अधिकारियों में कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल मुखिया संघ की लगातार जारी है, जिसमें लेकर आजमनगर प्रखंड कार्यालय के परिसर में मंगलवार को मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता मुखिया संघ के अध्यक्ष सैलुद्दीन ने किया। इस दौरान धरना पर बैठे मुखिया संघ के लोगों ने कहा, हमारी 19 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार में मुखिया धरना पर बैठे हैं। इसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का भत्ता बढ़ाने, ग्राम पंचायत मुखिया को सुरक्षा हेतु आर्म्स लाइसेंस देने, बंद पड़े कबीर संतुष्टि योजना पुनः चालू की जाए, ग्राम पंचायत को 73वें संशोधन के तहत प्रदत्त 30 पदाधिकारियों पुनरूपेण पंचायत को सौंपने सहित कई महत्वपूर्ण मांगों को रखा गया है। सरकार इन मांगों पर जल्द विचार नहीं करती है तो मुखिया संघ अपनी शक्ति का एहसास चुनाव में कराएगी। केंद्र और राज्य की सरकार पूरी तरह से अपनी मनमानी कर रही है। मुखिया के अधिकारियों को लगातार हनन किया जा रहा है, जिसमें हम मुखिया संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुखिया संघ के द्वारा मांग पत्र बीडीओ कुमार केस को सौंपा। इस दौरान आजमनगर मुखिया भारत राय, गुलजा परवीन, अमित कुमार, सिकंदर भांट, चाले सिंह, महबूब आलम, तनवीर अहमद, इंतजार आलम, मुखिया प्रतिनिधि मोतीलाल ताती, कबीर बमबम, मुखिया प्रतिनिधि ललन विश्वास, मुखिया प्रतिनिधि इंजीनियर इजहार आलम आदि मौजूद रहे। आजमनगर प्रखंड से भोला यादव की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं आप लोग? हम लोग का मांगे होंगे, सबसे मांग है तो मैं बिहार का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और पंचायती राज गौतम मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग का जो ये मांग है तो ये मांग को हम लोग को आप मान ले, और जो मुख्य मांग है हम लोग का, तो हम लोग का जो लाइसेंस का मुहैया कराए, जनपद जिले के जान का खतरा है, और आवास का प्रक्रिया काम चालू कीजिए, आवास एंट्री कराइए। और एक चीज़ और है कि जो हम लोग का ग्राम सभा का मांग है जो पूर्व में हो रहा था, वो ग्राम सभा को लागू करें कि हम लोग का जहाँ कचरा है, जहाँ जरूरतमंद काम है, वो हम लोग काम करें। इसी चंद शब्दों के साथ मैं पानी का बिलंद देता हूँ। मैं मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत राज देवगा। जो हम लोग प्रखंड परिसर में धरना में बैठे हुए, सरकार के विरुद्ध पंचायत के जितने भी अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनका हनन किया गया, जिसके विरुद्ध हम लोग यहाँ पे आज एक साथ एक आवाज़ में सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि पंचायत में जो अभी तरह तरह की व्यवधाएँ आ रही है, इसका सारा जिम्मेदार सरकार है। सरकार अगर पंचायत को अपना मौलिक अधिकार दे देता है तो यहाँ के जनता को हर बात की सुविधा होगा, वो चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे वो राशन कार्ड बनाना हो, या अन्य प्रकार का जो भी समस्या हो। पिछले 5 सालों का जो शासन काल रहा सरकार का, वो सराहनीय था, मगर अभी पुनः जो सरकार अपने नए लॉजिक की तरह से पंचायत को चलाना चाह रहे हैं, जिससे फिर पंचायत कीचड़ मुक्त हो रहा है और कीचड़ से भर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और पंचायत को अपना अधिकार दे, और फिर पंचायत जिस तरह विकास की ओर चला था 2016 से लेकर 21 तक, वो निरंतर चलता है। परिचय, मैं मुखिया तनवीर अहमद, ग्राम पंचायत रह चुका। सूत्री को मांग को लेकर के आज धरना पर बैठे थे जी। हम लोग आज जो है आजमनगर के सभी मुखिया आज हम लोग धरने पर बैठे हैं। 19 मुख्य मांगे जो हैं, जो इस पेपर में अंकित है, आप इसको बारी बारी से जो है न्यूज़ के माध्यम से जो है इसको दिखाएं, और साथ साथ इस 19 जो है मांगे हैं उनमें से एक हम लोग अपनी जान की रक्षा करने के लिए, इससे पूर्व भी मंत्री साहब ने बताया था कि जो भी मुखिया है उसको आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, मगर हम लोगों ने अप्लाई किया और यहाँ आपका ब्लॉक स्तर से लेकर के अनुमंडल स्तर से लेकर के कामपुर जिला तक भेज दिया, मगर अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। आप लोगों को दिक्कत हो रही है? इसमें दिक्कत हो रही है, काम नहीं आ रही है। आज 7 से 8 महीना हो गया, पंचायत में पैसा नहीं आ रहा है। जनता हम लोगों से पूछ रही है, सवाल कर रही है,
कि जो है काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तो सरकार पैसा नहीं देगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे। अब जहां मनरेगा की बात लीजिए और प्रखंडों में पक्कीकरणों का काम हो रहा है, मगर आजमनगर की स्थिति ऐसी नदारद है पक्की कामों को लेकर के, जो आज तक एक डीसीसी भी हम लोग भलाई नहीं कर पा रहे हैं। परिचय आपका? मैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद इजहार आलम, आलमपुर पंचायत। प्रदर्शन के लिए हम लोग आजमनगर मुख्यालय में बैठे थे। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो ग्राम पंचायत को अधिकार दिया गया है वो अधिकार में हम लोग का कटौती ना करे, वो अधिकार पुनः आपस दिया जाए। जो हम लोग जो जनता का जो आभारी हूं उसका हम लोग निदान कर सके ग्राम पंचायत में, क्योंकि पब्लिक ब्लॉक में आके भटक रहा है, बहुत सारी समस्या हो रहा है। इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन किए, जो अधिकार है वो पुनः हम लोग को दिया जाए। ऐसे कौन से अधिकार? ऐसे सात नीचे सरकार ने इलेक्शन में घोषणा किया था कि सात नीचे पार्ट टू, मगर वो आज तक ग्राम पंचायत को या वार्ड कार्यान्वयन समिति को नहीं दिया गया है। और ग्राम सभा जो हम लोगों का अधिकार जो दिया गया है वो उसमें हम लोग का कटौती किया जा रहा है, और उस कटौती को हम लोग पुनः आपस चाह रहे हैं। और ग्राम पंचायत को ऐसा शक्ति दिया जाए कि हम लोग उस सारा सरकार का योजना को धरातल पे रखा जाए। परिचय आपका? ललन विश्वास, मुखिया ग्राम पंचायत राज बघोरा, प्रखंड आजमनगर, जिला कटिहार। जब से पंचायत चुनाव हुआ है, चुनाव के बाद से लेकर अब तक, हम लोगों को जो ग्राम सभा का जो अधिकार है, मेन और मेन मांग ग्राम सभा का अधिकार। अगर ग्राम सभा का अधिकार हमको वापस हो जाता है तो सब कुछ वापस हो जाएगा। दूसरी कि आज पूरे बिहार में जनप्रतिनिधियों का, मुखियाओं का हत्या होता है, उसके बारे में अब तक सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाई। सिर्फ मौखिक बोल देता है कि मुखिया के लिए ये करेंगे, वार्ड सदस्य के लिए ये करेंगे, लेकिन लोग मरते जा रहे हैं, अब तक कोई किसी तरह का कोई मुखिया जी। अगर ये हम लोग का जारी रहेगा सर, ये हम लोग का संवैधानिक और वाजिब मांग है। जैसे वेतन, आप एक मुखिया को भत्ता स्वरूप 82 रुपया दीजिएगा प्रतिदिन, एक वार्ड सदस्य को 16 रुपया दीजिएगा प्रतिदिन, ये कहाँ का इंसाफ है? आप एसी में बैठ के 2-2.5-3 लाख रुपया पेंशन उठा रहे हैं? मत दो, ये भी मत दो, ये भी नहीं चाहिए हमको। लेकिन हमारा जो जनता का अधिकार है, जिसके लिए हम लोगों को चुना गया है, वो अधिकार भी हम नहीं दे पा रहे हैं। किसी को जन्म मृत्यु के लिए महीनों महीनों दौड़ना पड़ता है प्रखंड में, इत्यादि जो भी चीज। हमारी मांगे जो भारत का संविधान में प्रदत्त है, भारत का संविधान के 73वां में जो हमें अधिकार प्रदत्त है, और पुनः ये 73वां संविधान संशोधन कर पंचायती राज में 2006 जो नियमावली बनाया गया है, इनमें हमारे अधिकारों को कटौती की गई। तो मैं माननीय बिहार सरकार से, पूरे बिहार के मुखिया संघ के आह्वान पर, आज पूरे प्रखंड में हम लोग एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए इस 19 सूत्री मांगों के समर्थन में। मैं माननीय बिहार सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जनता का सेवक आप भी हैं, मैं भी हूँ, और आपके द्वारा दी गई राशि, माननीय भारत सरकार द्वारा दिए गए राशि को हम धरातल पर, इसी पंचायत और ग्राम पंचायत ही एक ऐसी संस्था है जो आपके कार्यों को, आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी, और आपके दिए गए राशि को जमीन पर उतारने का काम सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज करती है। तो मैं बिहार सरकार से अनुरोध करूंगा, और मुखिया संघ हमारे लोग आज जो बैठे हैं पूरे बिहार के प्रखंडों में इस 19 सूत्री मांगों को लेकर, क्योंकि देखिए ये अभी पंचायत में जो पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी दिए गए हैं, तो माननीय बिहार सरकार एक आह्वान की, तो बड़ी महत्वपूर्ण सरकार की सोच को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय बिहार सरकार ने जो सपना देखा है कि ब्लॉक प्रखंड से पंचायत को पंचायत या, जिसके चलते माननीय बिहार सरकार ने पंचायत सरकार भवन बनाई है, और वहाँ पे सारे कर्मी रहेंगे पंचायत के, और कार्यपालक पदाधिकारी को पंचायत में इसलिए नियुक्त किया गया कि पंचायत में ही गरीब को जाति, आय, आवासीय, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु, सारी जैसी मुख्य समस्या जो बहुत ही लाभान्वित योजना है माननीय बिहार सरकार का, इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए माननीय बिहार सरकार ने पंचायत सरकार भवन में इन कर्मियों का नियोजन किया है। परंतु कर्मी तो वहाँ उपस्थित रहते हैं, कर्मी को उनका जो है, उनको लोग नहीं, उनका जो कोड होता है,
जो काम करेंगे वो जातीय आय आवासीय राशन बनाएंगे, वो कोड उनको नहीं दिया गया है, जिसके चलते काम बाधित है। इससे पूर्व भी पंचायत में जो हमें जो लगता है कि जो ब्लॉक में प्रखंड में जो भीड़ होती है, माता बहनें आती हैं, और इससे पूर्व लाठी चार्ज भी हुआ था हमारे प्रखंड में कि माताएं 12 बजे रात में 2 बजे रात में आती थी और लाइन पर लगती थी। तो इसको हम लोगों ने इस संवाद को माननीय बिहार सरकार को पहुंचाने का काम किया था, जो हमारे माननीय बिहार सरकार ने पंचायती राज को ये कार्य देने का काम किया, लेकिन इसको धरातल पर अभी तक उतारा नहीं गया। मैं अनुरोध करूंगा कि इस 19 सूत्री मांगों के साथ पंचायत में जो कार्यपालक पदाधिकारी दिया गया है उनको अपना कोड दिया जाए, ताकि सारा प्रखंड का काम पंचायत में। मुखिया जी, जो हमारे भारत के संविधान में हमें जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है कि धरना करूंगा, प्रदर्शन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा, ये संवैधानिक स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए हुए मैं अपनी कार्यक्रम को जारी रखूंगा। मैं मुखिया भरत कुमार राय, ग्राम पंचायत राज आजमनगर।